तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार। तर आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ वापिस। आज की वीडियो में मैं आपके लेके आया हूँ Vivo T2 Pro 5G स्मार्टफोन। आज वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग आपको दिखाने वाला हूँ और सारी चीजें बताऊंगा इस पर स्मार्टफोन के बारे में आपको। और इसका जो बाइंग लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, तो वहां से जाके अगर आप इसको बाय करते हो तो जो फर्स्ट 1000 व्यूअर्स है ना उनको 1000 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। बाकी वाला जो वीडियो है वीवो के साथ कोलैबोरेशन में बन रहा है, तो ये वाला जो स्मार्टफोन है वीवो ने ही मेरे को सेंड करा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना इसकी अनबॉक्सिंग आपको दिखाता हूँ कि बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट देखने को मिलता है। जो बॉक्स है उसके ऊपर फोन का नाम लिखा हुआ है, इसको जैसे आप ओपन करोगे तो फोन सबसे पहले रखा हुआ देखने को मिल जाएगा। मेरे पास ये वाला ना ड्यून गोल्ड कलर के अंदर है, इसको सबसे पहले हम साइड में रख लेते हैं, इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी उसके बाद नीचे आपको एक ट्रांसपेरेंट वाला केस देखने को मिलता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हैं, एक 66 वॉट का चार्जर आपको देखने को मिलता है, एक टाइप सी वाला केबल भी है और एक स्क्रीन रिएक्टर टूल है। स्मार्टफोन को पैकेजिंग से बाहर निकाल लेते हैं तो मेरे पास ना ड्यून गोल्ड कलर के अंदर वाला स्मार्टफोन है। एक कलर और आता है जो कि ब्लैक कलर है, अगर आपको वाला पसंद आएगा तो आप वाला भी चेकआउट कर सकते हो। लेकिन गोल्ड कलर के अंदर आप इसका लुक देख सकते हो कितना तगड़ा हमको देखने को मिल रहा है। पीछे की तरफ से कर्व होकर जा रहा है और फ्रंट से भी यहाँ पे कर्व डिस्प्ले आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। इस वाले स्मार्टफोन के अंदर आपको एक 3D ग्लास बैक डिजाइन देखने को मिलता है और एजी मटेरियल वाला ग्लास है ये। बाकी जो फ्रेम्स है वो आपको प्लास्टिक के देखने को मिलते हैं इस वाले स्मार्टफोन के अंदर। और ये वाला जो स्मार्टफोन है काफी ज्यादा स्लिम है भाई, ओनली 7.36 mm की थिकनेस के साथ ये वाला स्मार्टफोन आता है, तो काफी ज्यादा लाइट वेट भी और काफी ज्यादा स्लिम भी है। डिस्प्ले के बारे में बताऊं तो 6.78 इंच का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले हमको देखने को मिलता है, जो कि कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है। और जो रिफ्रेश रेट है वो भी 120 हर्ट्ज का हमको देखने को मिलता है। HDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन है, 10 बिट वाला डिस्प्ले है और एक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है, जिसकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट है। ब्राइटनेस के बारे में बताऊं तो 1300 nits की पीक ब्राइटनेस इसकी आपको देखने को मिलती है, तो आउटडोर वगैरह में आप लेके जाओगे तो विजिबिलिटी से रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत नहीं होगी। प्रोसेसर की बात करते हो Dimensity 7200 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। N22 रिजल्ट्स मैं आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, बाकी मैंने इसका CPU थ्रॉटल टेस्ट भी करा था तो उसके रिजल्ट्स भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर यहां पे शेयर कर रहा हूं, वो आप चेकआउट कर सकते हो। और गेमिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि 4D गेम वाइब्रेशन, मोशन कंट्रोल। मोशन कंट्रोल में क्या होता है कि जब आप अपने फोन को लेफ्ट की तरफ टिल्ट करते हो तो आप उस पर रीलोड वगैरह आपको गन को सेट कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया भी है। और ये वाला प्रोसेसर आपको 60fps की गेमिंग इजीली करा के दे देगा। BGMI ग्राफिक सेटिंग्स की बात करूं तो स्मूथ प्लस एक्सट्रीम की ग्राफिक सेटिंग्स आपको देखने को मिलती है। जो जायरोस्कोप सेंसर वगैरह वो भी प्रॉपर एक्टिव हमको देखने को मिलता है, कोई भी डिले नहीं है इसके अंदर। गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन है, लेकिन जो गेमिंग है वो भी आप इसके अंदर अच्छी कर सकते हो। गेमिंग के लिए आपको अच्छा लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी दिया हुआ है, तो नीचे मैं आपको इसका नाम मेंशन कर रहा हूं, काफी ज्यादा बड़ा नाम है इसका, तो आप गेमिंग वगैरह करोगे अगर आपका फोन हीट होता है तो इसकी वजह से जल्दी से आपका फोन ठंडा हो जाएगा। अब बात करें इसके कैमरास की, तो 64 megapixel का OIS वाला कैमरा देखने को मिलता है विद ऑरा लाइट। ऑरा लाइट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो सेकेंडरी कैमरा है वो आपको 2 megapixel का बोके कैमरा देखने को मिलता है। इसकी वजह से मैंने कुछ कैमरा सैंपल्स यहाँ पे क्लिक करे थे, तो वो आपकी स्क्रीन के ऊपर चेकआउट कर सकते हो किस तरीके से यहाँ पे वाला स्मार्टफोन फोटोज निकाल के देता है। जो फोटोज है उसके अंदर जो डायनेमिक रेंज वगैरह वो अच्छी हमको देखने को मिलती है, स्किन टोन्स वगैरह यहाँ पे प्रॉपर देखने को मिलती है। बस स्किन में ना थोड़ी सी ब्यूटिफिकेशन ये वाला स्मार्टफोन ऐड करता है। सोशल मीडिया रेडी फोटो तो वीवो के स्मार्टफोन क्लिक करते ही है, तो डायरेक्ट आप इसको कहीं पर भी पोस्ट कर सकते हो। फ्रंट में आपको 16 megapixel का कैमरा देखने को मिलता है। जो सेल्फीज है वो कुछ इस तरीके से क्लिक कर पाओगे, मैं आपको सैंपल्स दिखा रहा हूँ। पोर्ट्रेट के भी कुछ सैंपल्स हैं, नॉर्मल सैंपल्स भी हैं, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। जो फोटोज वगैरह हैं इस वाले स्मार्टफोन की फ्रंट कैमरा से भी वो भी मेरे को अच्छी लगी है। बाकी नाइट शॉट भी मैं कुछ आपको दिखा रहा हूँ रियर कैमरा के साथ ही साथ फ्रंट कैमरा के, तो नाइट में भी जो फोटोज है ना वो यहाँ पे अच्छी क्लिक करके दे रहा है। बाकी इसके अंदर ना एक सुपर नाइट मोड भी देखने को मिलता है। जो नॉर्मल मोड है उसके मुकाबले में अगर आप देखोगे सुपर नाइट मोड में तो काफी ज्यादा डिफरेंस हमको देखने को मिल जाता है इसके अंदर। तो सुपर नाइट मोड काफी ज्यादा यूजफुल फीचर है रात के अंदर अगर आपको फोटोज वगैरह क्लिक करनी है तो। और इस वाले स्मार्टफोन के अंदर ना एक ऑरा लाइट भी हमको देखने को मिलती है, जैसे रिंग लाइट की तरह आपको फ्लैश दी हुई है। इसकी वजह से अगर आप नाइट में फोटोज क्लिक करोगे ना तो भाई जो आपकी नॉर्मल फोटोज है ना उसको काफी ज्यादा ब्राइटर कर देता है इसकी वजह से। तो जो फोटोज के रिजल्ट हैं वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, नॉर्मल फोटोज मैं आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद ऑरा लाइट के साथ जो फोटोज है उसमें यहाँ पे काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है और काफी ज्यादा बढ़िया कर देता है ऑरा लाइट की वजह से फोटो को। वीडियोस की बात करें तो रियर कैमरा से आप 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके अंदर OIS भी हमको देखने को मिलता है, जो वीडियो है वो काफी ज्यादा स्टेबल रिकॉर्ड करता है। वीडियो सैंपल्स आपको चेकआउट कर रहा हूं, वो एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो भाई ये वाला वीडियो शूट हो रहा है इसके बैक कैमरा से 4K 30fps पे। अभी मैं चल के दिखा रहा हूं, तो आप इसकी स्टेबलाइजेशन चेक कर सकते हो किस तरीके से हमको देखने को मिल रही है, OIS किस तरीके से वर्क कर रहा है और सारे स्क्रीन टोन्स वगैरह किस तरीके से वाला स्मार्टफोन ले रहा है वो सब आप चेकआउट कर सकते हो। ऑडियो भी इसी के माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, तो ऑडियो क्वालिटी भी आप चेक कर सकते हो। फ्रंट में आप 1080p 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके भी सैंपल्स मैं आपको स्क्रीन के ऊपर चेकआउट करा रहा हूँ। तो भाई इसके फ्रंट फेसिंग कैमरा से वाला वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप चेकआउट कर सकते हो किस तरीके की वीडियो क्वालिटी आपको देखने मिलती है। 1080p 30fps पे वाला स्मार्टफोन वीडियो रिकॉर्ड करता है और जो ऑडियो है ना वो भी इसी के इंटरनल माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है। और यहाँ पे मैं अगेंस्ट द सनलाइट आया हूँ, तो देखो किस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ों को बैलेंस कर रहा है। स्किन टोन्स वगैरह हमको यहाँ पे
सही देखने को मिल रही है इस वाले के अंदर। और कैमराज में ना कुछ अलग अलग इफेक्ट दिए हैं, अलग अलग फिल्टर दिए हैं, तो उसमें ना आप अलग अलग फिल्टर लगा के फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हो। इस वाले स्मार्टफोन के अंदर आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, हायरस ऑडियो का सपोर्ट है भाई, और एक टाइप सी का पोर्ट आपको बॉटम की तरफ देखने को मिलता है। हेडफोन जैक नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जो स्मार्टफोन है काफी ज्यादा पतला है भाई। कनेक्टिविटी की बात करते हैं, ब्लूटूथ 5.3 डुअल बैंड वाईफाई 6 का सपोर्ट है, और भाई जो बेसिक सेंसर होता है ना वो सारे इस वाले के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। और जो बैटरी है वो 4600 एमएच की हमको देखने को मिलती है, 66 वॉट की फ्लैश चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, तो जो आपका स्मार्टफोन है ना वो अप्रॉक्स 0 से 100 58 मिनट के करीब करीब चार्ज हो जाएगा फुल। बाकी वाला स्मार्टफोन फ्रंट टच ओएस 13 के ऊपर आता है आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि बेस है एंड्रॉइड 13 पे, और जो अपडेट्स वगैरह वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर रहा हूं, तो यहां से आप चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस ये था वीवो का T2 Pro 5G स्मार्टफोन, आपको कैसा लगा ये वाला स्मार्टफोन कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर से बताना। बाकी अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे दिया है, तो वहां से जाकर जरूर से चेकआउट कर सकते हो। बाकी वाला वीडियो अगर आपको पसंद आया तो जरूर से लाइक कर देना, और ऐसे अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसका जो अपडेट है जल्दी से चैनल के ऊपर आने वाला है, तो उसके लिए भी जरूर से वेट करना भाई। बाकी यार आज वाले वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे गौर कमाल के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।